देखो तुमको हमने बताया कि जानबूझ करके हमने सारा कंटेंट कहीं कहीं से इकट्ठा करके तुम लोगों की सिर्फ तुम लोगों की जानकारी के लिए यहाँ प्रस्तुत कर दिया है। इसमें कोई क्रिएशन नहीं है या कुछ बहुत ज़्यादा खुद का प्रयास इसमें शामिल नहीं है। सिर्फ तुमको समझाया गया और मैटर एक जगह इसलिए प्रदर्शित कर दिया गया ताकि तुम देखो, तुमको आसानी से समझ में आ जाए। हम लोगों ने एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 को बड़े विस्तार से पढ़ा और इतना तो हम लोग समझ ही गए कि बहुत ही विस्तृत, बहुत ही अच्छी और बड़ी ही उपयोगी पॉलिसी बनाई गई। अब वो पॉलिसी कितनी इफेक्टिव है, उसका कितना लाभ है, कितना हानि है, ये अभी देखना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो इसका अप्रेजल बहुत ज़रूरी है, तो इसमें अप्रेजल किया गया है। हम लोग उसी लाइन पर आगे बढ़ते हैं और कुछ आपस अपनी बात इसमें साझा कर लेंगे। द न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 हैज़ बीन कंसीडर्ड एज ए बैलेंस्ड वन कंसीडरिंग द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट। द न्यू पॉलिसी हैज़ अडॉप्टेड ए कोऑर्डिनेटेड अप्रोच फॉर ब्रिंगिंग ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन। देयरफॉर द पॉलिसी हैज़ बीन टर्म्ड एज द पॉलिसी ऑफ प्रॉमिसिंग रैम्बो रिवोल्यूशन। इस पॉलिसी को ऐसा प्लान किया गया कि जितने भी सेक्टर थे सबको बहुत व्यवस्थित तरीके से फोकस किया गया। ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब कृषि से संबंधित तेजी से उत्पादन वृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती हैं उनके लिए फोकस किया गया। व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट से संबंधित उत्पादन या उत्पादकता को तेजी से बढ़ाने के लिए क्या क्या बेहतर सुधार हो सकते हैं उनको फोकस किया गया। ब्लू रिवोल्यूशन इसका मतलब मछली या उससे संबंधित जो भी उत्पाद या हैं उनकी उत्पादकता या कुल उत्पादन की मात्रा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो व्हाइट रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन और ब्लू रिवोल्यूशन सब इतने सारे कलर के रिवोल्यूशन थे कि बेहतर है कि इसको रैम्बो रिवोल्यूशन ही कहा जाए। रैम्बो माने जानते हो, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, कौन कौन से? इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं? विभिजिया, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे रैम्बो में बहुत सारे कलर होते हैं, बड़ा कलरफुल होता है, वैसे हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी भी कैसी हो गई, वो बड़ी कलरफुल हो गई। उसने सारे कलर को साधने का प्रयास किया, तो प्रयास तो बहुत अच्छा है। कंसीडरिंग द ग्रोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ फूड फॉर अटेनिंग फूड सेल्फ सफिशियंसी एंड अटेन फूड सिक्योरिटी फॉर द मिलियंस ऑफ पीपुल ऑफ द कंट्री, द पॉलिसी हैज़ फेस्ड अ ग्रेट चैलेंज टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट। अटेनमेंट ऑफ 4% ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चरल आउटपुट इज ए मस्ट, बट द न्यू पॉलिसी हैज़ नॉट स्पेल्ड आउट एनी सच टारगेट इन क्वान्टिटेटिव टर्म्स। अब देखो, हम लोगों ने अच्छाई तो बहुत सारी पढ़ी, अब हम लोग थोड़ा उसकी बुराई भी पढ़ लेते हैं। अनाज के संदर्भ में आत्मनिर्भरता या फूड सिक्योरिटी को के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से कम 4% कृषि की ग्रोथ रेट अपेक्षित है, जबकि पूरे के पूरे कृषि नीति में कहीं भी इस तरह से मात्रात्मक ग्रोथ रेट को प्राप्त करने की कोई बात नहीं कही थी, ठीक है। तो इसका मतलब एक बुराई हो गई, तो कम से कम हर जगह यह फोकस होना चाहिए था कि 4% से कम ग्रोथ रेट किसी कीमत पर प्राप्त नहीं की जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या है, द न्यू पॉलिसी हैज आल्सो फेल्ड टू आइडेंटिफाई दोज बैकवर्ड स्टेट्स विच आर स्टिल लैगिंग इन यूटिलाइजिंग देयर एग्रीकल्चरल पोटेंशियल, देयरफॉर ए बैलेंस्ड अप्रोच शुड बी अंडरटेकन टू रेमेडी दीज लूपहोल्स। कुछ ऐसे बैकवर्ड क्षेत्र हैं या कह सकते हो कि जो रीजनल इम्बैलेंसेस हैं, जैसे कहीं बहुत अच्छा खेती या खेती से संबंधित संसाधन उपलब्ध हैं और कहीं बिल्कुल ही नहीं है। तो यह कृषि नीति इस तरह के रीजनल इम्बैलेंस को दूर करने में सफल नहीं हुई और जो पिछड़े हुए क्षेत्र थे वहाँ कृषि की संभावनाएँ जितनी अधिक से अधिक तलाशी जा सकती थी उतना तलाशने का कृषि नीति ने प्रयास नहीं किया, ठीक है।
तीसरा क्या है, न्यू पॉलिसी आर्ग्यूड इन फेवर ऑफ इनकरेजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर विच वुड हेल्प द बिग फार्मर्स बट द लार्ज नंबर्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स आर नॉट गोइंग टू बी सपोर्टेड बाय सच प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विच नीड्स टू बी प्रमोटेड बाय पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये जो जब भी हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, जब हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने की बात करते हैं, जैसे अभी बहुत बड़े पैमाने पर प्राइवेट सेक्टर को एग्रीकल्चर में अलाउ करने की बात चल रही है, तो कोई भी जब प्राइवेट सेक्टर या उसका पैसा दोनों जब एग्रीकल्चर में आएगा, तो जाहिर सी बात है कि मान लीजिए बहुत बड़े स्टोर के रूप में आया, ये बड़े बड़े कोल्ड स्टोर बनाएगा बड़ा पैसा लगा करके, तो बहुत बड़ा कोल्ड स्टोर की जरूरत किसको है भाई? आपने कल परसों देखा कि 86% तो हमारे सीमांत और लघु किसान हैं, जिनकी जोत 2 हेक्टेयर से कम है, और इनके पास इनका उत्पादन इनके खाने पीने भर का हो जाए यही बड़ी बात है, तो इतने बड़े इन्वेस्टमेंट का या उस कोल्ड स्टोर का उस किसान को क्या लाभ है? इसका मतलब जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा वो चाहे मशीनरी के रूप में आए, चाहे वो जिस लॉजिस्टिक के रूप में आए, चाहे स्टोरेज के रूप में आए, चाहे प्रोसेसिंग के रूप में आए, चाहे जिस रूप में आए, उसका लाभ किसको मिलेगा? बड़े किसान को मिलेगा, यदि मिला तो उन्हीं को मिलेगा, उनको भी मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो बात की बात है, लेकिन अगर मिलेगा तो उन्हीं को मिलेगा। तो सरकार को चाहिए कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट के द्वारा छोटे जो और सीमांत किसान हैं इनको फोकस करके इन्हें लाभ देने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है द न्यू पॉलिसी आर्ग्यूड इन फेवर ऑफ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन थ्रू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बाई लैंड लीजिंग अरेंजमेंट बट इंट्रोडक्शन ऑफ सच ए स्टेप इन लेबर सरप्लस इकॉनमी इज हाईली क्वेश्चनेबल। अब देखो, जहाँ इतने बड़े पैमाने पर श्रम बेरोजगार हो, इतने लोगों को बेरोजगार न मिला हो, ऐसे में खेती को कॉरपोरेट सेक्टर को देकर के और लीज पर कॉन्ट्रैक्ट खेती करवाना, ये वास्तव में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ये बेरोजगारी को। और भी क्यों, कारण क्या है कि जब आप उसको कॉरपोरेटाइज कर देंगे खेती को, तो खेती मैनुअल से इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अभी धान काटने के लिए 8 लोग लगते हैं, तो उसके पास वो बड़ा सा मशीन काटने वाली होगी और अकेले ही 50 बीघा 2 घंटे में काट के क्या करेगी? किनारे कर देगी। तो जब कोई कॉरपोरेट सेक्टर का लीज पर लेकर के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, तो उसके पास बड़ा खेत होगा, तो वो बड़े पैमाने पर हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध कर सकता है, बड़ी मशीनरी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये लेबर सरप्लस इकॉनमी जो पहले से ही बहुत परेशान है, ओवर एक तरह से दबाव में है श्रम की वजह से, तो अब बेरोजगारी और भी बढ़ जाएगी निश्चित रूप से। तो ये बहुत अच्छी पहल नहीं होगी, इसको विवेकपूर्ण तरीके से इसे व्यवहार में लाने की जरूरत है। देर इज ए लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द नेक्स्ट है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन इम्प्लीमेंटिंग वेरियस प्रमोशनल स्टेप्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर दस द सेंटर एंड द स्टेट शुड कोऑर्डिनेट इन इम्प्लीमेंटिंग वेरियस प्रोविजंस ऑफ न्यू पॉलिसी एंड शुड डेवलप ए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म टू इवैल्यूएट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी इन ए मोस्ट रेशनल मैनर। असली झगड़ा तो यही है, सरकार नीति कृषि नीति बनाती है और बंगाल में हम लागू ही नहीं करेंगे, तब कैसे काम चलेगा? इसका मतलब कि सेंटर स्टेट के बीच का कोऑर्डिनेशन कैसा है? ठीक नहीं है, और अगर नहीं ठीक है तो बीच में किसान पीसेंगे। दोनों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, दोनों को सोच समझ करके रेशनल पॉलिसीज फॉर्मुलेट करनी चाहिए और उनको बड़े इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कोई भी काम आप करने के पहले अगर मुद्दा दोनों से जुड़ा हुआ है, कृषि तो दोनों की सूची में शामिल है ना, कृषि में स्टेट में भी है और केंद्र में भी है, तो केंद्र कोई कानून अगर बनाता है तो उसका या उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो पहले तो राज्यों से पूछ ले भैया लागू करोगे नहीं लागू करोगे ना। जैसे कृषि कानून तीनों बना दिए गए, अलग अलग राज्य कह रहे हम नहीं लागू करेंगे, जैसे ये पॉलिटिक्स हो सकती है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैसे भी तो व्यवहारिक है ना कि अगर किसी भी कानून का लाभ पाना है तो दोनों को मिल करके उसको विवेकशील तरीके से लागू करने में या उसे बनाने में या उसकी क्रियान्वित करने में ही किसी का फायदा होगा ना। अगर उसको रेशनल नहीं है, न बनाने में आपने रेशनलिटी दिखाई, ना लागू करने में दिखा रहे हैं, ना आपके बीच में कोऑर्डिनेशन है, ना आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की अगर आप केवल हिंसान कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी पॉलिसी कभी भी उत्पादक या लाभदायक नहीं हो सकती।
अब देखो क्रेडिट फ्लो के बाद जहाँ तक है, जैसे 2002 से 2007 दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो कृषि क्षेत्र में क्रेडिट का फ्लो था वह प्रोजेक्ट किया गया 7,36,370 crore, विच इज मोर देन 3 times द क्रेडिट फ्लो ड्यूरिंग द 9th। तो 9वीं योजना की तुलना में 3 गुना पैसा 10वीं योजना में कृषि या उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए बैंकों से रिलीज किया गया। तो बड़ी उपलब्धि है, ज़्यादा पैसा आया। कृषि क्षेत्र में पैसा कितना आप रिलीज करते हैं इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह है कि उस पैसे का सदुपयोग कितना होता है। पैसा लोन लेने वाला व्यक्ति क्या सही में उसका उपयोग कृषि में करता है, क्या सही में उसका उत्पादन के बढ़ने में कोई योगदान है, कि वह पैसे का बंदर बांट तो नहीं हो रही है, पैसे का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। अर्थात पैसे की प्रॉपर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, इस प्रकार अंडर द जनरल इम्प्रेशन दैट इंडियन एग्रीकल्चर ऑपरेट्स अमिडस्ट ए नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट्स इन कंट्रोल एंड दोज फार्मर्स डू नॉट रिसीव द बेनिफिट्स ऑफ फ्री ट्रेड एज कम्पेयर टू द अदर सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी, द न्यू नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2010 हैज टेकन नोट ऑफ दिस इम्प्रेशन एंड प्रपोज्ड फ्रीइंग ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर फ्रॉम वेरियस रेस्ट्रिक्शन। ऐसा माना जाता है कि जो भारत का कृषि क्षेत्र है वह अन्य क्षेत्रों की तुलना में उतनी स्वतंत्रता का लाभ नहीं प्राप्त कर पाता है जितने कि अन्य क्षेत्र प्राप्त करते हैं, और यही लाभ देने के चक्कर में इस कृषि नीति में कृषि को भी तमाम सुविधाएं और तमाम छूट प्रदान किए गए। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टेकन ए लीड इन रिपीलिंग सम ऑफ द रिस्ट्रिक्टिव लेजिस्लेशन, हाउएवर एज एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस आर एक्चुअली इम्पोज्ड बाई स्टेट सच एज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, दस द स्टेट गवर्नमेंट शुड टेक इफेक्टिव स्टेप्स फॉर फ्रीइंग एग्रीकल्चर। यद्यपि केंद्रीय सरकार ने स्वतंत्र करने के बहुत सारे उपाय करने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि कृषि स्टेट का मुद्दा है और राज्य जैसे महाराष्ट्र, गुजरात हुए, आंध्र प्रदेश हुए, ये सब अपने स्तर से जो प्रतिबंध लगाए रहते हैं वो प्रतिबंध इनको कम करने की ज़रूरत है, इनको छूट देने की ज़रूरत है, इन्हें कृषि को स्वतंत्र रूप से काम करने देने की छूट प्रदान करने की जरूरत है। केंद्र सरकार क्या करेगा? केंद्र सरकार ने बना तो दिया है 3 कृषि बिल, क्या हो रहा है? हाँ, लागू होने को कौन कहे, पूरा का पूरा दिल्ली जाम है इतने दिन से, सब विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर सारे राज्य उस कृषि बिल को बनने के पहले मिलकर के बातचीत किए होते, सब लोग सहमत होते और सबकी जानकारी में वो बिल बना होता, सब तैयार होते, किसान संगठनों से बात की गई होती, किसानों, हालांकि सरकार तो कहती है कि मैंने बात किया, लेकिन अगर बात किया तो फिर सरकार के खिलाफ में क्यों लोग हैं? इसका मतलब आपने सही आदमी से बात नहीं किया। जैसे बात करना महत्वपूर्ण नहीं है, सही आदमी से बात करना जरूरी है। इन दिस कनेक्शन द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2000-2001 ऑब्जर्व फॉर द इंडियन फार्मर इट इज एसेंशियल दैट ही लुक्स टू द होल कंट्री एज ए साइन ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड मार्केट आफ्टर फर्दर ओपनिंग ऑफ द ट्रेड रेजिम अंडर WTO फॉर 2001 इट इज ऑल द मोर नेसेसरी दैट फार्मर्स लुक नॉट ओनली टू डू डोमेस्टिक मार्केट बट ऑल्सो सीज अपॉर्चुनिटीज इन द ग्लोबल मार्केट फॉर इम्प्रूव्ड वैल्यू एडेड रियलाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। Export of processed agro products would be the key to improved export realization, which is possible only if the domestic policies allow unrestricted movement, storage and liberal trade regime. Thus, for agriculture related products, inputs and services, all restrictions including SSI reservations would have to be removed. देखो ये बहुत ही जैसे सामान्य स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये मान के लिखा हुआ है कि अन्य बातें बिल्कुल समान। ठीक है, कृषि को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात का लाभ प्राप्त हो इसके लिए जरूरी है कि उसका उत्पादन, उसका मूवमेंट, उसका स्टोरेज, ये सब बिल्कुल फ्री हो। सवाल तो यह है कि क्या तुम्हारे पास कुछ है उत्पन्न करने के लिए, स्टोर करने के लिए और मूव करने के लिए? असली झगड़ा कहाँ है? असली झगड़ा केक के बंटवारे का है ही नहीं, असली झगड़ा केक है ही नहीं है, इसी बात का है। पूरा क्लास लड़ रहा है कि हम भी केक खाएंगे, हम भी केक खाएंगे, पर अचल केक ही नहीं है।
तो केक हो और तब झगड़ा हो तो बात समझ में आती है, बिना केक रहे झगड़ा हो तो भी क्या होगा। तो ये सारी बातें इतने बड़े पैमाने पर जो किसान 86% हैं उनके लिए ये सब लाइनें बिना मतलब की हैं। उनको न तो अपने उत्पाद को कहीं ले जाके बेचना है, न उनको स्टोर करना है और न उन्हें एक्सपोर्ट करना, क्योंकि उनके पास इतना है ही नहीं। तो इसलिए ये मुद्दा थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हमको कोई नीति या कोई नियम बनाते समय अपनी वास्तविक स्थिति का भी ज्ञान हमको होना चाहिए कि हमारे पास किसको ज़रूरत है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम छोटे और जो सीमांत किसान जो हैं उनके उत्पाद को हम कैसे अपनी सुविधा दे करके उनको एक करके उनकी छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा करके, जैसे थोड़ा थोड़ा किसी के यहाँ 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल अनाज बचता है, उसको हम अपने तरीके से सगाई तरीके से इकट्ठा करके उनका भी नुकसान होने पाए और हम उसको प्रोसेस करके उसको ठीक ठाक करके उसको अपने स्तर से स्टोर करके उसको अपने स्तर से प्रक्रिया करके उसका हम निर्यात करें। लेकिन अब वो किसान तो नहीं कर सकता, खुद किसान के बस की बात नहीं है, वहाँ मध्यस्थ की ज़रूरत है। लेकिन वो मध्यस्थता कौन करे? सरकार करे। वो मध्यस्थता कोई प्राइवेट व्यक्ति न करे या कोई मिडिल मैन न करे, क्योंकि तब वो अपने हित को अधिकतम करने का प्रयास करेगा, फिर किसानों का शोषण होगा और किसानों को उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो ये जो है सामान्य कृषि नीति से जुड़ी हुई सारी बातें हैं जिसको हम लोगों ने देखा, ये कंप्लीट है कृषि नीति है। और अब आप इतना कुछ समझ गए हैं कि अब आप आराम से जितने भी अध्याय कृषि से जुड़े हुए हैं सबको आराम से समझ लेंगे। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है उसके बारे में सामान्य बातचीत देखेंगे।